भर्ती आयोग है सभी इस तरह का काम करे ताकि हम लोगों को विरोध करने का मौका न दे। हम ये चाहते हैं, हमको कोई शौक नहीं है ना कि हम दरभंगा से चलकर नवादा में आएंगे और चिल्ला चिल्ला कर हम सरकार से मांग करेंगे। मजबूर किया गया है हमें, तब हम आए हैं यहाँ नवादा। सरकार अगर हमारी बात को सुन लेती तो हम नवादा नहीं आते। पटना से अगर सुन लेती हमारी आवाज़ को, बहुत सारी बातों को सरकार ने माना है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन और भी हमारा जो डिमांड है 10 सूत्री, सरकार ने नहीं माना, इसलिए हमको हर जिला अब जाना पड़ रहा है। और हमारा मकसद है हर जिला में जाकर छात्रों को हमें यूनाइट करें, एकजुट करें। क्योंकि आप लोग खुद बताइए, हम बिहार में हैं तो बिहार की बात ज़्यादा कर रहे हैं, पटना में हम रहे हैं तो हमको बिहार के स्टूडेंट्स की समस्या ज़्यादा पता है। लॉज लॉज हम स्टूडेंट से मिले हैं, आप खुद बताइए, आप लोग बिहार के एक नेता का नाम बताइए जो स्टूडेंट्स के मुद्दे पर सड़क पे उतर के आंदोलन करता हो या आपकी लड़ाई सदन में उठा करता हो, आवाज उठाता हो। कोई नेता है? कोई नहीं। जो पहले मेडिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम कराता था उसको जिम्मेवारी दी गई BCECV को, तो 100 में 100 मार्क्स आया, तो क्यों नहीं उसकी जांच हुई कि 100 में 100 कैसे उस स्टूडेंट्स को आ गया? अगर इतना ही वो तेज है उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन नहीं जांच होगी। क्यों? ये मिला है सबको मिला है, जो बोर्ड के अध्यक्ष है, सचिव होंगे, परीक्षा नियंत्रक, सबको मिला होगा। और इसीलिए ऑनलाइन सेंटर को दिया जाता है, पैसा का खेल चलता है। ऑनलाइन सेंटर के मालिक पैसा पहुंचाते हैं, तब उस सेंटर ऑनलाइन सेंटर में ये लोग देते हैं सेंटर। जितना ऑनलाइन सेंटर है ना बिहार में, 99% शिक्षा माफियाओं का है। पहले वो स्कॉलर बैठाता था, अभी भी बैठा रहा है, पैसा हो गया उसके पास, खोल लिया ऑनलाइन सेंटर। अब खुलेआम धांधली से मांग कर रहे हैं, अगर सरकार ईमानदार है तो जाँच करवाए BSFC का, और जो अभी बहाली में धांधली हुई है STET में, अभी खुलेआम धांधली चल रही है, आप लोग देख रहे हैं ना, खुलेआम धांधली चल रही है STET में। तो कब तक ये चलेगा? कब तक जो है BPSC सुधर गया, ठीक है आंदोलन किए तो बाकी आयोग भी तो सुधरना चाहिए। कब तक आपके जो है मेधा को खरीदा जाएगा? कब तक नौकरी बेची जाएगी? लड़ना पड़ेगा हम लोगों को, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। कोई नेता कोई पार्टी लड़ने वाला नहीं है, हम लोगों को खुद लड़ना पड़ेगा। और जिस दिन बिहार का युवा जाग जाएगा ना, हर जिले से सिर्फ 500 स्टूडेंट खड़ा हो जाए, कोई भी सरकार होगा हिल जाएगी सरकार, और आपकी बात माननी पड़ेगी। बस आपको एकजुट होना है। हम सरकार से इस नवादा की धरती से मांग कर रहे हैं कि आप सिपाही बहाली, दरोगा बहाली सब में पारदर्शिता लाइए। और अभी जो सिपाही बहाली होना है, CSVC के चेयरमैन कौन है? बिहार पुलिस के मुखिया रह चुके, DGP रह चुके बिहार के, देश का सारे नेता कहाँ चले गए? और बिहार के जो हमारे युवा और छात्र नेता घूमते हैं पार्टी बना बना के, वो लोग कहाँ है? अगर वो लोग आवाज़ उठाते तो दिलीप कुमार को नहीं उठाना पड़ता। इसलिए हम मांग करने आए हैं, 10 सूत्री जो डिमांड है, कोई भी वैकेंसी हो उसमें पारदर्शिता चाहिए। पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं। सिपाही बहाली में खुलेआम रेट लग रहा है, दरोगा बहाली में जब आते खुलेआम रेट लगता है, पेपर लीक होता है, पहले ही आंसर आ जाता है। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक हम लोग सहते रहेंगे जी? अभी BSFC का रिजल्ट आया है, फूड कॉरपोरेशन का, 100 में 100 मार्क्स आया है, 100 में 100 मार्क्स आया है। ये संभव है? नहीं। क्यों नहीं? जो आयोग है BCECV जो है, क्यों नहीं उसके जांच करवाया? अगर ईमानदार है दिलीप कुमार को आज यहाँ आकर नहीं चिल्लाना पड़ता। हम किसी पार्टी से नहीं है, किसी पार्टी नेता से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम भी पटना गए थे BPSC की तैयारी करने, और उसमें जो धांधली सेटिंग होती थी उसके खिलाफ लड़ते लड़ते आज BPSC परीक्षार्थी से छात्र नेता बन गया दिलीप कुमार। तो सिस्टम ने हमें मजबूर किया छात्र नेता बनने को। हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, हमारे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड दूर दूर तक नहीं है, हम किसान परिवार से हैं। आज छात्र नेता बनना पड़ा हमें, तो सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ते लड़ते, तो आज हम आप लोगों से साथ मांगने आए हैं। ये लड़ाई दिलीप कुमार की अकेले लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार के युवाओं की है, और कहें तो पूरे देश के युवाओं की लड़ाई है।